नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज एक ऐसे सवाल के ऊपर चर्चा करने आया हूं जिससे हमारे खटीक भाइयों के जाति का इतिहास बहुत ही अच्छे से उजागर होता है। समाज में कुछ लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि सनातन धर्म में मांसाहार जो विषय है उसका कितना प्रयोग रहा है, या ये विषय सनातन में पूर्णतया निषिद्ध है, ये भी कि मांसाहार पूरी तरह से निषिद्ध है क्या, ये एक सवाल रहा है। क्योंकि हमारे खटीक भाइयों का मांसाहारी होना कुछ अन्य मित्रों को ये लगता है कि उनकी जाति उनके आहार से की वजह से छोटी हो जाती है। तो मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूँ। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, मैं आपको ऋषि विश्वामित्र से लेकर के और चरक संहिता के कुछ ऐसे प्रमाण दूंगा जिसमें मांसाहार सनातन का एक हिस्सा रहा है, मांसाहार सनातन में वर्णित है। मैं यहाँ से मांसाहार के बारे का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने खटीक जाति, क्योंकि ये एक योद्धा प्रजाति थी, तो योद्धा युद्धक प्रजातियों के कुछ ऐसे दुर्लभ समय भी रहते हैं जहाँ पर उनको आहार विहार इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। ऐसे में जीवन को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की आहार व्यवस्था का अनुपालन करना उनकी एक मजबूरी रही है। तो मैं आज ये बात इस वीडियो में ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या मांसाहार वर्णित है कि नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं पौराणिक काल में। उस समय अगर ऋषि विश्वामित्र पर हम नज़र डालें, जो खटीक समाज के सूर्यवंश के स्थापक माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र के ही वंशज आगे चलकर खटीक कहलाए, तो उनको अगर देखें तो वो पहले से क्षत्रिय थे जहाँ पर वो मांसाहार इत्यादि करते थे, ऐसा पुराणों में लिखा है, और इसीलिए उनको कौशिक कहा जाता था। और जब ऋषि वशिष्ठ से महर्षि वशिष्ठ से उनका कुछ मनमुटाव हो गया, उस वक्त उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं भी ऋषि बन जाऊं, क्योंकि पहले वो क्षत्रिय थे, ऋषि विश्वामित्र पहले वो क्षत्रिय थे, फिर उन्होंने राजधर्म छोड़कर ऋषि धर्म अपना लिया था। इसीलिए मैं इस चैनल पर बताता रहता हूं कि पहले के समय में कोई भी जो वर्ण है वो किसी के लिए फिक्स नहीं होता था, चाहे क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, कोई भी वर्ण किसी के लिए फिक्स नहीं रहता था, परमानेंट नहीं रहता था, वो उसके कर्म कांड के अनुसार उसको उस वर्ण में उस समय माना जाता था। और इस समय इसका एक उदाहरण मैंने महाभारत में भी के हिसाब से भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि किस प्रकार महाभारत में अर्जुन को ही जब वो जुआ खेलने जाते हैं तो उनको दस सुपुत्र कहा गया, और जब वो युद्ध में जाते हैं तो उनको हे आर्य कह के भगवान कृष्ण ने बुलाया है। तो ये बात भी मैंने यहाँ प्रमाणिक रूप से एक बार बताई। तो ऋषि विश्वामित्र की हम बात कर रहे थे, तो जब उनकी वशिष्ठ से अनबन हो गई तो उन्होंने बहुत बड़ा घोर तप करना शुरू कर दिया और उन्होंने मांसाहार विहार छोड़ दिया, यज्ञ इत्यादि करने लगे और वो धीरे धीरे ऋषि कहलाए। तो क्योंकि उन्हीं के वंशज खटीक हैं, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि किसी के आहार व्यवहार से वो वर्ण या जाति छोटी बड़ी नहीं हो जाती है। मित्रों, आहार विहार जैसे कि आप जानते हैं देश काल बल का जीवन पर बहुत बड़ा असर है। जिस देश में आप रहेंगे यदि वहाँ पर आपको ऐसे आहार शाकाहार की व्यवस्था नहीं है तो आपको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मांसाहार की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि सनातन पूरे विश्व का धर्म है, इसलिए जितने भी धर्म हैं वो हर तरह की आहार व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, शाकाहार व्यवस्था के भी बारे में और मांसाहार व्यवस्था के बारे में। अब मेरे कुछ मित्र ये सोच रहे होंगे कि ये लिखा कहाँ पर है, किस पुस्तक में लिखा है कि मांसाहार खाया जा सकता है। तो आप ये जानिए कि जितने भी अवेलेबल टेक्स्ट जो इस समय उपलब्ध हैं, वो चाहे चरक संहिता हो, संस्कृत लिटरेचर जो 2000 साल पुरानी जो कि पुस्तकें हैं उसमें से उपलब्ध पुस्तकें हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, इसमें आहार व्यवस्था आप देख लीजिए, बहुत जगहों पर मांस रस का प्रयोग, मांस यूज का प्रयोग, और किस किस का मांस खाया जाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, खाया जाना चाहिए, किस तरह से खाया जाना चाहिए, सारा पूरा विवरण उसमें दिया गया है। उसको भारत सरकार BMS सिलेबस में पूरी तरह से पढ़ाती भी है। तो ये पुस्तकें किसी अन्य धर्म की नहीं, सनातन धर्म की हैं, क्योंकि ये सब पूरी संस्कृत में लिखी हुई है और बहुत सारे पुराणों में भी मांसों के प्रयोग के बारे में लिखा गया है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि आहार जीवन की एक नेसेसिटी है, वो किस तरह से होगी, जिस तरह से वहाँ का देश होगा, वहाँ का काल होगा, उस हिसाब से जीवन जीने के लिए लोग आहार व्यवस्था को अपना लेते थे। तो कोई ये ना समझे कि खटीक जाति के लोग मांस खाते हैं तो वो छोटे होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।